और एक मसला विंटर में एक और होता है कॉन्स्टिपेशन का, डेफिनेटली हमारा वाटर इनटेक बहुत कम होता है। अब सर्दियों में ऐसा होता है दिन छोटे होते हैं, हमें फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिलता, हम ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालते जिसके लिए इसमें फ्रूट खाया जाए। ठीक है, अब दो चीज़ें कि कभी तो आपने जूसेस पे, अगर मैं आपको जूस बता रही हूँ तो आपने सिर्फ उस पर नहीं रहना, अगर मैं आपको स्मूदी बता रही हूँ तो आपने सिर्फ उस पर नहीं रहना, मैं आपको बताऊँगी कि आपने करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम मुश्ताक, आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड IVF काउंसलर। MySehat.PK के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, स्पेशली विंटर में स्किन से रिलेटेड बहुत इशू होते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, सन टैन हो जाता है, स्किन पे वैसा ग्लो नहीं रहता, तो ये काफ़ी सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो आ जाते हैं। और हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सटर्नली ट्रीट करते हैं, एक्सटर्नली ट्रीट में जिसमें हम लोशंस, मॉइस्चराइज़र, क्रीम्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें वैसे रिज़ल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ पे होता है, इंटरनली हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक ग्लास ऐसा जिससे आपके सारे मसले जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँ और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो, आपका इम्यून सिस्टम हो, आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट आपको जो है वो मिले, जिससे एंटीऑक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपका जो ऑक्सीडाइज एक स्ट्रेस लेवल होता है बॉडी में वो डिक्रीज होगा, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे जो है काफ़ी मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और एक मसला विंटर में एक और होता है कॉन्स्टिपेशन का, डेफिनेटली हमारा वाटर इनटेक बहुत कम होता है, क्योंकि हमें ना तो एक प्यास लगे तो हम पानी पीते हैं, वैसे हमारा पानी की तरफ ध्यान नहीं होता, तो वाटर इनटेक कम होता है, उससे ड्राइनेस होती है और उससे क्या होता है हमारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब एक तो हमारा वाटर इनटेक भी कम है, उसके साथ साथ हमारे डायूरेटिक ज़्यादा हो जाते हैं जिसमें चाय और कॉफ़ी आ जाती है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें इन सब की तरफ लीड करती जाती हैं। और डेफिनेटली इन सब को हमने एक्सटर्नल इंटरनल ही करना है, एक्सटर्नल तो हम सिर्फ लोशन और वो सब चीज़ें करते हैं, इंटरनली इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। चले हम बात करते हैं, एक स्मूदी मैं आपको बता रही हूँ उसके बताऊँगी कि कितनी अमाउंट है और उसको कैसे पीना है, क्या करना है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या होना चाहिए, मौसमी सारे फल, जिसमें सबसे पहले सर्दियों में आने वाला फल जो है वो ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, उसके बाद गाजर आती है, गाजर, चुकंदर, और इसके साथ साथ मैं एडिशन कराऊंगी सिर्फ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इट इज़ अमेजिंग स्मूदी, अदरक का टुकड़ा आप लास्ट में डालेंगे और जब वो इन सारी चीज़ों में ऐड होगा ना उसका टेस्ट नहीं आएगा आपको, वो सारा मैनेज कर लेगा। उसके अलावा एप्पल, ठीक है। अब सर्दियों में ऐसा होता है दिन छोटे होते हैं, हमें फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिलता, हम ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालते ठीक है जिसमें फ्रूट खाया जाए, और अगर सिर्फ जूस भी पीते हैं हम सिर्फ 2 जूसेस पे रहते हैं, किन्नों का पी लिया, मौसम्बी का पी लिया, कभी हुआ गाजर ऐड कर लिया और इस तरह, और सिर्फ जब हम जूसेस पे चलते हैं तो हम जूसेस पे ही रहते हैं, हम ये नहीं ध्यान करते कि हमने उसके साथ, और फिर फल जो होते हैं मौसमी सारे फल उसमें ऐड नहीं होते, सिर्फ 1-2 होते हैं जो हम अपने बॉडी को इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, वो भी बहुत कम। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कितनी अमाउंट में यूज़ करें और जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए और कितनी अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं कि कभी तो आपने जूसेस पे, अगर मैं आपको जूस बता रही हूँ तो आपने सिर्फ उस पर नहीं रहना, अगर मैं आपको स्मूदी बता रही हूँ तो आपने सिर्फ उस पर नहीं रहना, मैं आपको बताऊँगी कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो ये करें कि अगर मैं एक और आपको प्रिकॉशन बता दूं कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप ये जूस पी सकते हो, लेकिन आप प्रेफर करो स्मूदी को और उसके बाद होल फ्रूट को, लेकिन आप क्वांटिटी हाफ़ कर दोगे, अगर एप्पल है तो आप हाफ़ यूज़ करोगे, अगर कीनो है तो उसको भी हाफ़ यूज़ करोगे, गाजर है तो वह एक पूरी डाल सकते हैं, अदरक है तो वो 1 इंच इनफ है, चुकंदर है तो वो इट इज़ ओके, अगर वो छोटी है तो आप पूरी उसको अपने जूस में या स्मूदी में डाल सकते हो। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो प्रेफर करें कि वो स्मूदी यूज़ करें, जूस यूज़ ना करें। स्मूदी ये होता है कि सारे फ्रूट्स डाल के आप उसको थोड़े से पानी में सिंपल ब्लेंड कर लेते हो, बहुत अच्छे से ब्लेंड करते आप उसे थोड़ा सा
स्ट्रेन कर लिए, तो इससे क्या होता है आपको फाइबर मिल जाता है। अब आपने हफ्ते में 3 से 4 दिन स्मूदी यूज़ करनी है और बाकी जो 3 से 4 दिन है वो आप होल फ्रूट खाएं, आप उसकी चाट बना लें और क्वांटिटी यही रखें। इसके अलावा जो नॉर्मल बाकी लोग हैं उन्होंने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करें, अगर आपने जूस की फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो आप 3 से 4 दिन इसको जूस की फॉर्म में इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप होल फ्रूट खाएं, जिससे क्या होगा आपको फ़ायदा मिलेगा, फाइबर भी चला जाएगा और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के एनर्जी लेवल जो हैं वो डाउन रहते हैं, थका थका फील करना, तो उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसके लिए आप क्या करें, आपका जूस है या आपकी चाट है या आपकी स्मूदी है, जो बाकी लोग हैं वो स्मूदी भी यूज़ करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो क्या है, तो आप उसमें थोड़ा सा पिंक हिमालयन साल्ट डाल लें, उससे क्या है आपके एनर्जी लेवल अच्छे हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हो जाएंगे। तो ये अब इसके टाइम पर आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जूस को स्मूदीज को बिफोर ब्रेकफास्ट यूज़ करते हैं, तो ऐसा आपने उस सूरत में करना है जब आप ब्रेकफास्ट भी करें। कुछ लोग होते हैं प्री ब्रेकफास्ट जो है वो यूज़ करके तो फिर अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ये आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, ये आपका प्री ब्रेकफास्ट है, तो मेक श्योर करें 1 ग्लास पिए, ठीक है, और उसके बाद 1/2 आवर के बाद अपना जो है वो आप ब्रेकफास्ट लें, और ब्रेकफास्ट लेने के तकरीबन 45 मिनट्स बाद आप चाय पी सकते हो। ये हो गया ब्रेकफास्ट वालों के लिए टाइम। अब और किस टाइम यूज़ कर सकते हैं, स्नैक में, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान जो टाइम पीरियड है आप एज अ स्नैक आप उसे यूज़ कर सकते हो, स्मूदी, जूस, चाट, और बाद में आप अपने लंच के टाइम लंच कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा टाइम है, कुछ लोग जो हैं वो बाहर का प्रेफर, डेफिनेटली बाहर का प्रेफर नहीं करना चाहिए, हाइजीन के इशू होते हैं, प्रॉपर पता नहीं कैसे बनता है, तो आपने बाहर से अगर करना भी है तो फिर आप उनको अपने इंग्रेडिएंट्स बता दें कि हमें ये अपने जूस में चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा, अब सर्दियों में ये भी होता है ठंडा गर्म का, जी हमें जो है नट्स ले रहे हैं तो थोड़ा स्टमक का इशू हो गया, उसमें आप एक और बेनिफिशियल चीज़ क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मिंट डाल देते हो, पुदीना अगर ऐड कर लोगे तो वो भी आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जिन्होंने डेफिनेटली आना होता है सेकेंड टाइम पे, जी ऑफिस से, हॉस्पिटल से, किसी भी काम से, तो मेक श्योर करें कि वो मगरिब से पहले पहले इस जूस को कंज्यूम कर लें। ये जो है इसके बेस्ट टाइम है जूस के, स्मूदी के, फ्रूट के, किसी भी फ्रूट के कंज्यूम करने के, और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो प्रेफर करें कि इसको वो स्नैक में लें, स्नैक मिड मॉर्निंग वाले स्नैक में हैं जो इसको प्रेफर करें, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और mysehat.pk के चैनल को देखते रहें, और ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।